चलो चलो, आते ही प्यार करने लगा, आते ही हैं, चलो हट जाओ, चलो चलो चलो। राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी। हाँ बाबू, मेरे को प्यार कर रहा था, मेरे को प्यार कर रहा था ऐसे करके। ओ इसके तो बहुत ज़्यादा चोट लगी पड़ी है इसके तो। यार मेरे पास स्प्रे रखा है, स्प्रे लेके आऊँगा सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाइडेड एकांश। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों दो तारीख का तो पता नहीं, नीचे आ रही होगी लिखी हुई कौन सी तारीख है, बट संडे का दिन है। मैं जा रहा हूँ गढ़ मुक्तेश्वर गढ़। आज संडे था, सोचा कि चलो यार गढ़ चलते हैं। उस दिन पाजी चल रहे हैं साथ में और उनके कुछ साथी जो अमृतसर राइड पे गए थे मेरे साथ। जिन्होंने मेरी अमृतसर राइड नहीं देखी, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। मैं आगे रहूँ? अरे तुम चलो आगे। प्रणाम जीजा जी, कैसे हो? अरे वाह भाई, अलग ही लग रही है भाई। ओहो आज तो राइडर्स ही राइडर्स दिखेंगे। जय हो सूर्य देव, हमारे सूर्य देव उगते हुए भाई साहब। मस्त नज़ारा दिख रहा है। वो बाइक पे होंगे अभी, तो चला ही रहे होंगे वो तो अभी। कैसे हो बदल? बढ़िया जी, कैसे हो? सही कवर कर दिया। अरे आप तो ऐसा भगा रहे हो, पकड़ नहीं आ रहे। पिकअप सही है इसका जीजू? हाँ पिकअप अभी पूरी खोल ली नहीं है अभी उन्होंने, कंपनी वालों ने ना। 120 तक ले गया था मैं। अच्छा वैसे सही है पिकअप वगैरह? वैसे तो बहुत बढ़िया है, बहुत स्मूथ है, बैलेंस बहुत अच्छा है। हाँ और लगती नहीं है 180 किलो की है, बहुत मैंने खुद चलाई है। गाइस ये देख लो ये पैच कैसा है रोड का, ये ऐसा लगता है खुदे इंच दियो किसी ने। तो मतलब हाईवे पे ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। अभी देखो मैं इस पर जाऊँगा ना, देखो कैसे हो रही भाई। अगर बंदा स्पीड पे आ रहा है हाईवे पे 80-90 की स्पीड में और एकदम सी ये चीज़ आ जाती है तो भाई उसका तो एक्सीडेंट होना तय है। स्पेशली टू व्हीलर का, फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर तो आराम से निकल जाएंगे। बता दिए क्यों करते हैं समझ नहीं आता भाई। नहीं तो ये वाला एरिया कह के तो बंद कर दो कि यहाँ पे कोई किसी को आ रही नहीं, इस वाली रोड से निकलो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये मैंने
कई कई जगह देखी है, कई जगह हम लोग अमृतसर भी गए थे, वहाँ पे भी रास्ते में ही इसी तरीके से पैच मिला था। टाइम हो रहा है 6:50, अभी तक तो पहुँचे नहीं है। हाँ ये वाला मोड़ आ गया, पास में आ गया, ज़्यादा दूर नहीं है बस। क्या हो गया क्या हो गया, तो ये लोग भी आ चुके हैं। हमारी टोटल 5 बाइक्स हैं। आजा भाई, ओए गंगे मैया, आज तो बहुत ज़्यादा पानी है भाई, आज तो बहुत पानी है। पहले तो वहाँ पे बीच में कुछ नहीं था, हमने तैर के ऐसे ही पास कर लिया था हमने। हाँ अब तो आज तो ज़्यादा पानी है भाई। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी हम हैं बोट में और अभी हम लोग जा रहे हैं उस तरफ, वहां पे जाके नहाएंगे और यहां पे ये सारे के सारे अपने भाई लोग बैठे हुए हैं। दो को उतार दिया यहां, गड़ 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 चल गया चल गया, स्टॉप कर दिया ये सब के सब बैठे हुए हैं। ये फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमें नहाना है और ये पूरा एक जो है ये अलग से एक टापू है, ये यहाँ पे आने का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाइक से आ सकते हो, सिर्फ आप सिर्फ बोट से ही आ सकते हो। है जीजू? हाँ जी यस। और ये सारे अपने भाई लोग, गुरदीप भाई, भैया, बाकी तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय चोई पी रहे हैं। जितनी ठंड लग रही थी उतनी अब गर्मी लगने लगी है गाइस, पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे घर, 1.5 घंटा तो लग ही जाना है पहुँचने में। मेरे को लग रहा है कि गाजियाबाद और दिल्ली में बारिश हो रही है जिसकी वजह से बादल यहाँ से दिख रहे हैं। अब ये तो गाजियाबाद जाके ही पता लगेगा कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि मौसम जो है वेदर शायद ये था आज का कि आज बारिश होनी थी। बाकी भाई 1.5-2 घंटे नहाए आराम से हम नदी में, रेतीला पानी था बहुत ज़्यादा लेकिन मज़ा आया यार। क्या बढ़िया रोड थी, और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है जिसकी वजह से हम लोग स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पे भी वो गंगा नदी जाती थी तो अब नहीं है पानी, तो यहाँ पे घास उग गई, मैदान बन गया, कितना प्यारा लग रहा है, मन कर रहा है यहाँ पे बाइक ले जाओ यार। यार ये रोड बड़ी बेकार है, बताओ यार एक्सीडेंट भी होगा ऐसी रोडों पे तो क्या होगा, लेकिन गाड़ी वाले को भी जल्दी लग गई है आयरन करते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिख रही है दिल्ली यूपी, दिल्ली गाजियाबाद फरीदाबाद दिल्ली NCR की है, जो क्योंकि आज संडे है तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए लोग दिल्ली से यहाँ गढ़ आ गए, क्योंकि हरिद्वार शायद ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लोगों को, अभी भी वहाँ पे कुछ रिपोर्ट वगैरह मांग रहे हैं बट यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से दिल्ली NCR का जो क्राउड है वो इस साइड आया हुआ है।
चलते हैं, गन्ने का जूस दो दो ग्लास पी लिया, जान में जान आई भाई, कुछ पेट में गया। देखते हैं यहाँ पे कोई ढाबा नहीं है साइड में, धूप में ही खड़े होके पीना पड़ा। हम लोग सबसे आगे हैं, सबके साथ पीछे रह गए, अभी तक तो कोई आया नहीं है, काफी देर लेट किया। गाजियाबाद भी 25-30 किलोमीटर रह गए हैं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। आज इस टाइम पे सच में बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है, और अभी तो मुझे दिल्ली भी जाना है काम से। लो जी भैया, सबसे पहले तो हम पहुंचे घर पे, वो आते रहेंगे। ठीक है भैया, दुख गई कमर है ना, क्या? कमर कमर दुख। चलो बाय बाय।